अयोध्या में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर दूर दराज से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने पतित पावनी माँ सलिल सरयू में डुबकी लगाकर अपने गुरुदेव के साथ ही अपने आराध्य का भी पूजन अर्चन किया। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि इस दिन सरयू में स्नान करने का अलग महत्व होने के साथ ही पुण्य की भी प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी ओर पुरोहित राम आधार पांडे ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर अपने आराध्य गुरु देव का पूजन अर्चन करने के साथ ही गौदान करने का अलग ही पुण्य मिलता है। गुरु पूर्णिमा पर सुरक्षा व्यवस्था के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। सीओ अयोध्या ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर भीड़ को देखते हुए पुलिस बलों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए रूट डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। विराट 24 न्यूज के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। प्रदेश के जिले मुरैना से आए हैं, अपने ससुराल वालों के साथ में आई हूँ। यहाँ की मान्यता है कि सरयू जी में गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान किया जाता है, इसलिए अपने छोटे से बेटे को लेके आई हूँ उनका मुंडन कराने के लिए। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। करेंगे जो कुछ हो सकेगा, दान पुण्य के साथ कर देंगे, बस और क्या करना है। गुरु जी के चरणों में जाएंगे, प्रभु के, और क्या मिलेगा। कभी भी प्रभु के चरण में जाना है तो गुरु का दर्शन करना है, गुरु से ही पहुँचा देंगे। अयोध्या है, यहाँ बहुत दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ जो भी आते हैं, जो भी मन्नत लेकर आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन लोग विशेष दान पुण्य करते हैं, जो उनको और उनके मतलब सबको मतलब अच्छा वो होता है। पूर्णिमा के महत्वपूर्ण त्यौहार के अवसर पर जैसा कि आप देख भी रहे हैं, स्नान घाट पे सबसे पहले लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। इसको देखते हुए यहाँ पे जल पुलिस की व्यवस्था की गई है, पिकेट लगाई गई है, विभिन्न सिपाहियों को जगह जगह पे खड़ा किया गया, लोग सीटी बजा के लोगों को अलार्म दे रहे हैं कि आप गहरे पानी में ना जाएँ, किनारे स्नान करें। साथ ही साथ भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्जन भी किया गया है। शहर के अंदर विभिन्न स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। जी गुरु पूर्णिमा वर्ष में एक दिन आता है, गुरु पूर्णिमा, अषाढ़ की पूर्णिमा, और इस दिन जो है शिष्य लोग अपने गुरु के गुरुद्वारा में जा करके और गुरु की पूजा करते हैं, प्रसाद लेते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो आशीर्वाद गुरु के जो मिलता है उससे उनका कल्याण होता है, और इस भावना से आते हैं कि हमारे गुरु क्या हैं। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात परमात्मा भगवान विष्णु और शिव।